Hey guys, Pankaj here back again, and today I wanted to talk about this 5 second rule, and I read about it, which says ki aapke brain mein jo ek idea aata hai wo just 5 second ke liye aata hai, and you can lose it within like 5 second or 10 second because hamari jo body hai wo aisi bani hai ki hum logon ko dar lagta hai kuch bhi naya try karne se, kuch bhi jo ki kuch naya, if you are trying some new territories, you have inherent fear, and that fear kicks in pretty fast, like 5 to 10 seconds if you are thinking of something which is gonna be something new to you, because as we grow we can't try much of the new things, and the rush in the body of adrenal rush that we have while we try new things वो धीरे 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 कम होता जाता है, और जो फियर फैक्टर है वो बढ़ता जाता है एज वी एज. सो ये 5 second रूल ये कहता है कि अगर कुछ भी आइडिया दिमाग में आया 5 second के अंदर तो उसको लिख डालो, सो दैट इट्स इन, इट्स विथ यू, यू डोंट लूज इट प्रीटी फास्ट. बिकॉज अगर थोड़ा टाइम दे दिया तो आपका कॉन्शियस माइंड सामने आ जाएगा और बोलेगा नहीं भैया नहीं ये नहीं करना है, इसमें डर है, और वो जो फियर फैक्टर है वो बॉडी में किक इन कर जाता है. तो हम लोगों को हमेशा अपना वो 5 second रूल फॉलो करते हुए लिखना चाहिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि अगर वो जो आइडियाज़ हैं इफ़ यू आर राइटिंग इट डाउन तो कॉन्शियस माइंड में डर जरूर रहेगा, लेकिन इफ़ यू हैव योर आइडियाज़ रिटन विद इन दैट विंडो समवेयर यू कैन जस्ट रीड बैक एंड डू समथिंग अबाउट इट लेटर ऑन, एल्स इट विल बी लॉस्ट समवेयर इन योर डीप एनी ऑफ पार्ट ऑफ योर माइंड. सो राइट डाउन योर आइडियाज एंड राइट डाउन वट यू फील टू डू, एंड देन अगेन लाइफ तो भैया बड़ी छोटी है, किस दिन है कब नहीं है कुछ पता नहीं है, हम तो एक छोटे से सिम कार्ड की तरह हैं, आए अपना टाइम लाइन पूरा ख़त्म, जितना भी रिचार्ज करा था भगवान ने वी आर गॉन, ऐसे इतना मैं मानता नहीं, बट डेफिनेटली वी आर ए ह्यूमन विद ए वैलिडेटेड टाइम कि इसके बाद नहीं कुछ है. तो जो वैलिडेट टाइम है थोड़ा सा ही है, पता नहीं कितना है, सलाह उसका मालूम भी नहीं है, जितना भी कर सकते हो कर डालो, सोचो मत, क्योंकि ज़्यादा सोचा तो करने का कुछ रहेगा नहीं. और जब भी सवेरे हम उठते हैं हमें क्या पता क्या आने वाला है, जो भी है मचा डालो, कर डालो, कुछ छोड़ो मत. एंड अनदर थिंग इज, वन थिंग दैट आई विल से डेफिनेटली, अगर तुमने लिख लिया कि वो 5 second का रूल क्या है एंड उसके बारे में सोच लिया, देन थिंक अबाउट प्रोसेस, बिकॉज उसको पाने के लिए एक प्रोसेस लगेगा, और वो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग अचीविंग एनीथिंग इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, और जब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ना तो क्या होता है कि आदमी लॉस्ट हो जाता है और सोचता है क्या यार नहीं हो रहा है कैसे करेंगे. तो उसको छोड़ने के लिए लिख डालो क्या करना है, प्लान बना डालो, चेकलिस्ट बना डालो, वो चेकलिस्ट को फॉलो करते जाओ, और अगर चेकलिस्ट होगी ना तो चेकलिस्ट धीरे धीरे जब चेक होते जाएंगे ना तो अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हो रहा है, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, एकदम लगेगा जैसे कि माउंट एवरेस्ट का पहाड़ कैसे उठाऊं, तो उठा नहीं सकते हम, धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं. और उसको करने के लिए चेकलिस्ट बनाओ, प्रोसेस बनाओ, एंड फॉलो दैट प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस इज़ डैम इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. मोटिवेशन आएगा 5 second के लिए, वो चला भी जाएगा, कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए, तो लव द प्रोसेस, प्रोसेस से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, गोल इज नंबर 1, बट इफ प्रोसेस नहीं है तो गोल तो गया तेल लेने, क्योंकि गोल कभी अचीव भी नहीं हो पाएगा. सो राइट डाउन योर गोल वंस यू आर इन द 5 second विंडो, फाइंड आउट हाउ यू कैन अचीव इट, मेक अ चेकलिस्ट आउट ऑफ इट, एंड बस लग जाओ प्रोसेस बना के कि बस यही करना है अब जब तक अचीव नहीं हो जाता. तो भैया लग जाओ एंड पाओ, चलो बाय बाय टाटा सी यू.